हाय एवरीवन, मैं हूं रितु। मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मान लिया कि कोई लड़का जिसको प्रीमैच्योर डिस्चार्ज की प्रॉब्लम है, यानी कि क्लाइमेक्स तक पहुंचने से पहले, प्लेजर मिलने से पहले ही उसका डिस्चार्ज हो जाता है। ये एक नॉर्मल पी की प्रॉब्लम होती है, जिस केस में कुछ फ्यू स्ट्रोक में ही, अब विद इन फ्यू, मतलब सोचने से ही उसका डिस्चार्ज हो जाता है। पर अगर ऐसा हो कि किसी लड़के में पी की प्रॉब्लम, यानी कि प्रीमैच्योर इजैकुलेशन की प्रॉब्लम के साथ साथ उसे इरेक्टाइल, मतलब इरेक्शन की प्रॉब्लम भी हो, तो क्या हो? मतलब एक लड़का एक प्रॉब्लम से नहीं जूझ पाता, और अगर किसी लड़के को ये दोनों प्रॉब्लम हो तो उसकी सेक्सुअल लाइफ कैसी होगी? बहुत ही घटिया वाहियात सी होगी। ये जो मिक्स प्रीमैच्योर डिस्चार्ज है, ये बहुत बार लड़के अपनी बॉडी में खुद पैदा करते हैं। यानी कि किसी को प्रीमैच्योर डिस्चार्ज की प्रॉब्लम थी ही नहीं, उसको शुरू से ही इरेक्शन की प्रॉब्लम थी। यानी मैं पहले ही कहा कि संबंध बनाते वक्त ढीलापन आ जाना या फिर इरेक्शन ही ना आना, कुछ टाइम के लिए इरेक्शन आना, तो अपनी मर्दानगी को बचाने के लिए, फीमेल पार्टनर के सामने एम्बैरस होने से बचने के लिए, अपनी मर्दानगी शो करने के लिए और प्रोसेस को कम्प्लीट करने के लिए, वो जल्दी जल्दी डिस्चार्ज प्रोसेस को कम्प्लीट करते हैं। लेकिन जैसे तैसे मेरा डिस्चार्ज हो जाए बस, और मेरी लाज बच जाए। इसीलिए वो अपनी बॉडी में इरेक्शन की प्रॉब्लम तो थी ही, साथ ही साथ वो प्रीमैच्योर डिस्चार्ज की प्रॉब्लम को भी तब्दील कर लेते हैं। क्योंकि प्रीमैच्योर डिस्चार्ज की प्रॉब्लम के पीछे मेन जो कुछ रीज़न होता है वो है हाइपर सेंसिटिविटी, और कुछ ऐसे रीज़न होते हैं, यानी कि यू नो नर्व्स की प्रॉब्लम हो गया, या फिर यहाँ का थोड़ा साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो गया, कुछ ऐसे प्रॉब्लम की वजह से प्रीमैच्योर डिस्चार्ज हो जाता है। बट किसी को अगर ये कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, उसको शुरू से ही ईडी की प्रॉब्लम है, वो अपनी बॉडी में पी की प्रॉब्लम को डेवलप कर लेते हैं, तो जाहिर सी बात है कि अगर कोई बंदा सोच रहा है कि जल्दी जल्दी डिस्चार्ज करना सोल्यूशन है, तो एब्सोल्युटली नॉट। बिकॉज ईडी की प्रॉब्लम अगर किसी बंदे में एक एज से पहले होना, तो ये कुछ संकेत हैं कि आपकी बॉडी ठीक नहीं है, आपको कुछ सिग्नल्स दे रही है। एज लाइक कि ईडी की प्रॉब्लम होने का मतलब यही है कि आपके बॉडी में ब्लड फ्लो अच्छे से नहीं हो रहा, आप किसी भी चीज़ को लेकर डिप्रेस्ड हो, आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, ब्लड सर्कुलेशन आपके बॉडी में ठीक ठाक नहीं है, जिसके वजह से आपको ईडी की प्रॉब्लम हो रही है। प्रीमैच्योर डिस्चार्ज की प्रॉब्लम को डेवलप कर लेना अल्टीमेट कोई सोल्यूशन नहीं है। और ये ईडी की प्रॉब्लम अगर आगे भी बढ़ता रहा ना, तो आपको हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है, हाई ब्लड प्रेशर या लो ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम डेवलप हो सकती है। और अगर आप ये चीज़ नहीं चाहते ना, तो पहले ही ईडी की प्रॉब्लम को सॉल्व करो। कैसे? पहली, किसी अच्छे से सेक्सोलॉजिस्ट से कंसल्ट करो, उससे डिस्कस करो आपकी प्रॉब्लम क्या हो रही है, वही आपको अच्छे से गाइड कर सकते हैं। बट इससे पहले मैं आपको 2-3 हिंट ज़रूर देना चाहूँगी कि किस केस में आपको इमीडिएट जाना चाहिए और किस केस में आप खुद से थोड़ा सा कोशिश कर सकते हो। पहली बात, अगर आपको पहले इरेक्शन की प्रॉब्लम नहीं थी, बिल्कुल भी नहीं थी, अब आपको इरेक्शन की प्रॉब्लम हो रही है, यानी कि पहले आपका बिल्कुल ठीक था, जब से आपने काम वाम शुरू किया है, ऑफिस का काम शुरू किया है, जब से आपने शादी की है, तब से ही आपको इरेक्शन प्रॉब्लम हो रही है, तो इसका मतलब ये है कि आपके बॉडी में पहले कोई प्रॉब्लम नहीं थी, प्रॉब्लम यहाँ से शुरू हुई है। हो सकता है कि आपको बहुत ज़्यादा डिप्रेशन है, हो सकता है कि आपको स्ट्रेस की प्रॉब्लम है, और हो सकता है कि आप किसी भी चीज़ से एडिक्टेड हो, एज लाइक के आप बहुत ज़्यादा अभी अल्कोहल ले रहे हो, बहुत ज़्यादा स्मोकिंग कर रहे हो। इससे बहुत बार हमारे बॉडी में जो ब्लड सर्कुलेशन है उस पर इफेक्ट करता है, ब्लड फ्लो पे इफेक्ट करता है, जिसकी वजह से ईडी की प्रॉब्लम बढ़ सकती है। बहुत सारे डॉक्टर्स, बहुत लोग बताते हैं भाई आप कान में नहीं देते हो, यहाँ से डालते हो, यहाँ से निकाल देते हो, और इससे आपको ये प्रॉब्लम जो है डेवलप होती रहती है। एंड लास्ट थिंग, घटिया तरीके से हैंड प्रैक्टिस करना, जिसकी वजह से जो प्राइवेट पार्ट की मसल्स हैं, जो वेन्स है, जो नर्व्स है, वो धीरे धीरे फिर डैमेज हो जाता है, और बाद में जाके तब आपको कुछ पता नहीं चलता, बाद में धीरे धीरे ईडी की प्रॉब्लम डेवलप होती है। तो अगर आपको ऐसा हो रहा है कि पहले नहीं था, अब हो रहा है, तो इस केस में आप आयुर्वेद का सहारा शुरू में ले सकते हो, आप ट्राई कर सकते हो। इस केस में आप मिस्ट्रेस कंपनी का बोट फॉर मैन का इस्तेमाल कर सकते हो। मैंने बहुत सारे वीडियोस में इसके बारे में कहा है, और ये जो फॉर्मूला है वो एक्चुअली डिज़ाइन किया गया है ईडी की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। इसमें सिर्फ 2 इंग्रेडिएंट्स है, एक है लिविजा और दूसरा है सफ़ेद मूसली। लिविजा जो है वो एक हर्बल पेटेंटेड मॉलिक्यूल है, जो क्लिनिकली टेस्टेड है, सिर्फ 1 हफ्ते में ईडी की प्रॉब्लम में रिजल्ट देने का दावा करता है। इसमें जो लिविजा है ना, वो आम और अनार के एक्सट्रैक्ट से बनाए गए हैं, विदाउट एनी साइड इफेक्ट, हर्बल है, और आपकी बॉडी में 100% रिजल्ट देता है, सिर्फ 1 हफ्ते में ईडी की प्रॉब्लम में रिजल्ट देना शुरू करता है। और साथ साथ इसमें सफ़ेद मूसली, हम जानते हैं सफ़ेद मूसली जो है वो एक नंबर 1 टेस्टोस्टेरोन बूस्टर है। जब भी आपके बॉडी में टेस्टोस्टेरोन लेवल बूस्ट होगा, तब भी आप एनर्जेटिक फील करोगे। टेस्टोस्टेरोन बूस्ट होने की वजह से आपके पेनाइल हेल्थ जो है उसमें इंप्रूवमेंट आएगी, ऑल ओवर बॉडी में आप स्ट्रेंथ स्टेमिना को महसूस करोगे। अगर आपको ईडी की प्रॉब्लम जस्ट शुरुआत हुई है, आप अभी अभी इस चीज़ को नोटिस कर रहे हो, तो आप इसका इस्तेमाल ज़रूर करो। और साथ ही साथ आप मिस्ट्रेस कंपनी का एनहेंस फॉर मैन का इस्तेमाल करो। ये खाने के लिए नहीं है, ये लगाने के लिए है, प्राइवेट पार्ट में लगाने के लिए है। आप
इसके साथ साथ इसका इस्तेमाल कर सकते हो। ये क्रीम है, सिर्फ 5 या 6 बूंद लेके आपको प्राइवेट पार्ट में मसाज देनी है। इसमें एलर्जिनाइन है, एलर्जिनाइन जो है वो आपके प्राइवेट पार्ट की जो ब्लड वेजल्स है उसको रिपेयर करता है, ताकि आपके प्राइवेट पार्ट में ब्लड फ्लो अच्छे से हो सके। और इसमें लौंग है, लौंग जो है वो आपकी हाइपर सेंसिटिविटी को रिड्यूस करता है, जो कि थोड़ी बहुत आपने डेवलप कर ली है उसको रिड्यूस करता है। और इसमें एलोवेरा है, जो आपके प्राइवेट पार्ट की जो कोई भी फंगल इन्फेक्शन अगर डेवलप हो रहा है उसको रिड्यूस करता है और स्किन को स्मूथ रखता है। तो आप इस कॉम्बो पैक का इस्तेमाल कर सकते हो विदाउट एनी साइड इफेक्ट, कोई भी साइड इफेक्ट नहीं, क्योंकि ये हर्बल प्रोडक्ट है, नेचुरल है, डेफिनेटली GMP सर्टिफाइड है, ISO सर्टिफाइड है, क्वालिटी प्रीमियम ब्रांड है। अगर आप इसका इस्तेमाल करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक है, आप क्लिक करके इसको ऑर्डर कर सकते हो। अदरवाइज स्क्रीन पे जो नंबर फ्लैश हो रहा है उस पे कॉल करके भी आप इसको ऑर्डर कर सकते हो। एंड लास्ट थिंग, अगर आपने कोई भी गलत हैबिट को पाल लिया है उसको सुधारने की कोशिश करो। मैंने पहले ही कहा, स्मोकिंग या अल्कोहल लेना या बहुत ज़्यादा ही किसी भी चीज़ को लेके टेंशन लेना, इस चीज़ को थोड़ा सा रिड्यूस करने की कोशिश करो। क्योंकि मैं पहले ही बता चुकी हूँ एक बात के, अल्कोहल और सिगरेट से जो हमारे बॉडी में, आपके बॉडी में जो साइड इफ़ेक्ट हो रहा है वो बहुत गहरा होता है। स्पर्म काउंट कम हो जाती है, टेस्टोस्टेरोन बनना कम हो जाता है और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स धीरे धीरे डेवलप होती है। तो मेरे हिसाब से आपको बिल्कुल भी देर नहीं करनी चाहिए, कोई भी ट्रीटमेंट, कोई भी एक्शन बहुत जल्दी लेना चाहिए और अपने प्राइवेट पार्ट की ईच एंड एवरी डे आप मसाज करो। इससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा, आपकी जो पेनाइल हेल्थ है उसमें इंप्रूवमेंट आएगी, वो हेल्दी रहेगा। इससे आपकी ईडी की प्रॉब्लम में भी बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करो, शेयर ज़रूर करो एंड डू सब्सक्राइब। थैंक यू।